नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं टोटल 25 एमसीक्यू रीजनिंग से संबंधित सवाल जो आपके CIASM 2019 यानी कि जो हुआ था यानी कि 23 जुलाई को जो एग्जाम हुआ है सेकंड शिफ्ट में उसका क्वेश्चन पेपर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। टोटल 25 प्रश्न है ना, तो गणित के प्रश्न हम लोग कल देख लिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से, जो आपके 25 प्रश्न इस प्रकार पूछा गया था। क्या पता आपके एग्जाम में, चाहे व्यापम हो, PSC हो, है ना, इस प्रकार के आगामी एग्जाम में ऐसे पैटर्न पर प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि एक दिन में सूर्योदय के समय सुधीर अपनी छाया की दिशा में 6 मीटर चलता है। छाया की दिशा में कितना मीटर चल रहा है? 6 मीटर। फिर अपनी दाई ओर मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। अंत में वह दाई ओर मुड़ता है और 9 मीटर चलता है। तो ज्ञात कीजिए कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक दिन सूर्योदय के समय, मान लीजिए अगर सूर्योदय इस प्रकार है, ठीक है, ये सूर्योदय पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है, तो सूर्योदय पूर्व दिशा है तो उसने अपनी छाया की दिशा में 6 मीटर चलता है। हम अगर इधर मुंह कर रहे हैं, मतलब सूर्योदय की तरफ मुंह किए हैं, ठीक है, तो उसकी छाया की तरफ, हमारी छाया किधर बनेगी? पीछे बनेगा, है ना। तो वह 6 मीटर चलता है, छाया की दिशा में 6 मीटर चलता है। मान लीजिए आपका 6 मीटर चल रहा है, ठीक है, आप उसके बाद अपनी दाई ओर मुड़ता है। जब हम इधर 6 मीटर चलते हैं तो दाई ओर मुड़ते हैं तो किधर हो जाएगा आपका? 4 इधर हो जाएगा, 4 मीटर। अब अंत में वह दाई ओर मुड़ता है, आप फिर इधर चल रहे हैं तो दाई ओर मुड़ेंगे क्या, आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्रारंभिक चलना स्टार्ट किए हैं तो ये अब चलता है और कितना बार? 9 मीटर चलता है। कितना मीटर? 9 मीटर, ठीक, 9 मीटर चला। अब वह ज्ञात करने की वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दूरी और किस दिशा में है। यह आपका प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए थे तो इधर ये आ जाएगा आपको पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं। यह आपका किधर हो जाएगा? उत्तर। यह आपको हो जाएगा पूर्व, तो ये उत्तर हो जाएगा और यह आपको हो जाएगा पूर्व। तो पूछा क्या गया है? उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी होगा, 5 मीटर भी चलेगा। कैसे 5 मीटर चलेगा? आपका 5 मीटर चलेगा, ठीक है, यहाँ तक। जैसे कि ये आपके यहाँ से पूर्व से कितना किलोमीटर चलेगा? 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 मीटर। इसका आंसर आपका बी होगा। उसी प्रकार दूसरा है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, मान लीजिए कोई एक आदमी है जो महिला से कहता है कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ होगी, तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है? तो देखिए, एक आदमी ने महिला से कहा, मान लीजिएगा एक आदमी है, ठीक है, एक महिला से कहता है क्या कहता है कि तुम्हारी माँ के पति, यानी कि किसके, इसके माँ के पति, इसके माँ का पति, ठीक है, इसके माँ का पति, यानी कि किसके पति, इसके माँ का, यानी कि महिला के माँ का पति, पति की बहन, पति की बहन, ठीक है, पति की बहन क्या लगेगी? मेरी बुआ लगेगी, यानी कि इनकी बुआ लगेगी, यानी कि खुद की बुआ लगेगी। तो पूछा क्या गया है? महिला का पुरुष से क्या संबंध है? तो जो महिला है पुरुष से क्या संबंध है? तो क्या संबंध होगा? उसकी बहन होगी, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लाल गुलाबी का रंग से भी संबंध अच्छी तरह संदर्भ होता है? तो मान लीजिएगा रंग, एक रंग है, ठीक है, एक रंग के अंदर आपका गुलाबी और ये लाल रंग है, ठीक है, मतलब कलर पूछा गया है, ठीक है, ये आपका रंग हो गया, लाल हो गया, ये गुलाबी हो गया, ये आपका रंग हो गया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। अब दिए गए चित्र में कितने घन अदृश्य है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए घन है दिया है तो इसमें टोटल 5 आएगा इसका आंसर, है ना, इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, ऐसे दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद है, उत्तर आकृतियों के सेट में एक आकृति का चयन करें जो स्थान है, तो इसको मैं यहाँ पर बनाऊंगा बहुत टाइम हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, ठीक है। उसी प्रकार आपको 56 का क्वेश्चन हो जाएगा आंसर सी, उसी पर 57 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, ये सब आप लोग बनाते रहना, ठीक है। उसी पर 58 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इनमें से अलग है, यानी कि भिन्न है, बिल्कुल अलग हो जाएगा बी, क्योंकि देखिए उसमें डायग्राम ही अलग दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं 59 का क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करना है। तो देखिए कैसा प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा आपका पहला डी जे, उसके बाद है एच
टी एच एम इधर क्या आएगा, ठीक है। तो कितने का अंतर है, तो यहाँ पर जस्ट डबल करना है, ठीक है। डी का मतलब हो जाएगा चार, जे का मतलब दस, उसी प्रकार ये आठ हो जाएगा, टी का मतलब बीस हो जाएगा, उसी प्रकार ये आपका आठ हो जाएगा, ये आपका तेरह हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार पूछा गया है तो इसका जस्ट डबल है ना, तो चार के बाद आठ है, दस के बाद बीस है, उसी प्रकार आठ के बाद सोलह होगा, तेरह के बाद छब्बीस होगा, ठीक है। यहाँ पर आठ के बाद सोलह होगा और छब्बीस, तो सोलह क्या आएगा, तो सोलह का आपका हो जाएगा पी और छब्बीस का वाई, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पी और वाई, आंसर ए होगा, ठीक है। यदि दी गई संख्याओं के अंकों की संख्या के भीतर घटते क्रम में लिखा जाए तो कितने अंक अपना स्थान नहीं बदलेंगे, तो देखिए अगर मान लीजिएगा दूसरा देखते हैं तो आठ और क्या दिया गया है, तीन दो चार पाँच सात और एक, तो इसमें भीतर के घटते क्रम में बोला गया है, तो अगर इसमें घटाएंगे कितना आएगा आपका पाँच, तीन में घटाएंगे तो दो, और दो में चार घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका फिर दो, फिर चार में पाँच घटाएंगे तो ये आपका एक, और पाँच में सात घटाएंगे दो, फिर इसमें आएगा छः, तो ये अपना स्थान नहीं बदल रहा है ये वाला तीन, तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा तीन, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब पूछा गया क्या है, पाँच इकसठवा प्रश्न देखेंगे कि पाँच वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात साल अनुपात पाँच होगा, तो देखिए यहाँ पर हिंदी वाला मिस्टेक है ना क्वेश्चन, इंग्लिश में आप पढ़ते हैं तो फाइव वर्ष आफ्टर रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी विल बी सेवन अनुपात पाँच एंड द डिफरेंट ऑफ बिटवीन द ईयर एक्स विल बी फोर वर्ष दैट वाज आवर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इस वर्ष में एक बी बाई फिर रिप्लेसमेंट क्या होगी, यानी कि पांच वर्ष बाद पूछा गया है कि ए और बी के आयु का अनुपात सात अनुपात पांच है, ठीक है। तो मान लीजिएगा ए और बी के आयु का अनुपात कितना है, सात अनुपात पांच है। अब पूछा गया है कि इनमें चार वर्ष का अंतर होना चाहिए, कितने वर्ष का, चार वर्ष का अंतर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर चार वर्ष का अंतर होना चाहिए, तो पूछा क्या है इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सात और पांच में कितना का अंतर है, दो वर्ष का अंतर है, ठीक है। अब दो वर्ष का अंतर है तो दो वर्ष में इसमें माइनस कर देंगे, क्या जाएगा दो, ठीक है। तो अब यहाँ से आएगा तो फिर सात बटे पांच बराबर दो, तो सात दूना कितना हो जाएगा चौदह और पांच दूना कितना हो जाएगा दस। अब पूछा क्या गया है कि पांच वर्ष बाद पूछा गया ना, तो पांच वर्ष बाद यानी कि पहले, तो क्या आ जाएगा, इसमें पांच घटाएंगे तो आपका चौदह पांच नौ, इसमें पांच घटाएंगे तो आपका इतना पांच, यानी कि नौ बटा पांच, ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा नौ बटा पांच, इसका आंसर सी होगा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें भी देखिए बी डी एफ है ना, तो यहाँ पर बी डी एफ उसी प्रकार दिया है, डी एच आई डी एच आई, अब दिया गया है एफ एल आर एफ एल आर, इसके बाद क्या आएगा पूछा है, ठीक है। तो इस प्रकार देखते हैं तो इसका आंसर शायद एच पी एक्स होगा, तो कैसे होगा एच पी एक्स, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका आंसर आपका ए होगा, क्योंकि देखिए ये कितना है आपका दो चार छः, उसी पर डी कितना है चार आठ, आई कितना है आपका डी एच आई है क्या, डी एच एल है ना, सॉरी ये एल है, तो चार आठ बारह, ए छः बारह और ये अट्ठारह, उसी प्रकार हो जाएगा, देखिए किस प्रकार का, दो कम दो, दो दूनी चार, चार दूनी दो से छः और छः से इधर आपका आठ आएगा, देखिए दो चार छः इधर आएगा आठ, उसी प्रकार चार आठ, उसके बाद है आपका आ जाएगा बारह, उसके बाद आ जाएगा सोलह, उसी प्रकार आपका आ जाएगा अट्ठारह, और ये बारह और अट्ठारह देखिए छः कम छः, छः दिन बारह, छः तीन अट्ठारह, छः चौक चौबीस, ठीक है। तो इस प्रकार होगा, इसका आप लोग देख लीजिएगा, ये वाला प्यूपा वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये 64 का क्वेश्चन, 64 का देखें कि निम्न दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न का है 15 25 45 85 और 165, ठीक है। तो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, 15 25 अब क्या दिया गया है, 25 के बाद 45 85 और 165, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है।
तो 15 और 25 में कितना का अंतर है 10 का, 25 और 45 में कितना का अंतर है 20 का, है ना। उसी पर ये कितना अंतर है यहाँ पर 40 का, इसमें कितना अंतर है 80 का, जस्ट इसके बाद कितना जाएगा 160 का, ठीक है। तो अगर 160 और 165 को हम जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 5 12 का 2 हाँ सिले 3 325। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 325 आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार नेक्स्ट है 5 9 18 34 और 59, तो उसका देखते हैं 5 9 18 34 और 59, तो क्या आएगा इन दोनों में अंतर कितना है 4 का, उसी पर इसमें कितना का अंतर है 9 का, उसी प्रकार इसमें कितना का अंतर है 16, उसी प्रकार 59 में कितना का अंतर है 25, तो इसी प्रकार इधर आएगा 36। ये कैसे बनेगा तो देखिए, ये किसका है 2 का वर्ग, उसी प्रकार 3 का वर्ग ये, उसी प्रकार 4 का वर्ग ये, 5 का वर्ग ये आपका, 6 का वर्ग इसी प्रकार, ये आपका 7 का वर्ग, तो यहाँ पर 37 मतलब 7 का वर्ग, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, क्या आएगा फिर 7 का वर्ग करेंगे तो आपको 95, ठीक है, यहां पर आएगा इसका आंसर 95 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है एबीसी वाला, ठीक है, ए बी सी उसी प्रकार है ई एफ जी, ई एफ जी उसी प्रकार है आपका आई जे के, आई जे के उसी प्रकार है एम एन ओ क्यू आर एस, क्यू आर एस, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद क्या आएगा आपका नेक्स्ट में यू, एक मिनट ना, यू वी और डब्ल्यू, ये आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अब देखते हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न में 4 शब्द दिए हैं, कौन कौन सा है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट और हॉकी, तो इसी में एक शब्द अन्य 4 शब्द से भिन्न है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 4 शब्द से भिन्न कौन कौन सा है, तो बैडमिंटन दिया है, तो बैडमिंटन मान लीजिएगा, उसी प्रकार आपका टेबल टेनिस, ठीक है, टेबल टेनिस, ठीक है, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया है, क्रिकेट हो गया है, चलिए क्रिकेट मान लेते हैं, और हॉकी। तो देखिए इसमें अलग कैसे होगा, क्योंकि इसमें अलग होगा आपका टेबल टेनिस, टेबल टेनिस में बॉल ही होता है, हॉकी में भी एक बॉल से खेलते हैं, क्रिकेट भी बॉल से खेलते हैं, जबकि बैडमिंटन चिड़िया से खेला जाता है, तो मेरे हिसाब से बैडमिंटन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है कि निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्प में विषम शब्द चुनना है, तो मगरमच्छ, चूहा, छिपकली, सांप, इसमें आसानी से दिख रहे चूहा, क्योंकि मगरमच्छ, सांप और छिपकली तीनों एक ही प्रजाति के हैं। आप देखिए कि श्रृंखला में क्या चेंज करना है, एन ओ क्यू टी एक्स सी, तो इसमें आपका जाएगा 1 2 3 4 क्रम से बड़ा हुआ है, तो इसका आंसर आई आना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित कोड भाषा में सी आर यू डी आई को डी सी यू आर ई लिखा जाता है, तो उसी कोड में एम ओ आई एस टी को कैसे लिखा जाएगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार लिखा जाता है, तो सी आर यू डी आई, ठीक है, सी आर यू डी ई, ठीक है, उसको क्या लिखा जाता है, डी सी यू आर ई, यू आर ई, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एम ओ आई एस टी, है ना, एम ओ आई एस टी को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एस एम आई ओ टी, एस एम आई ओ टी, ये आपका आएगा आंसर, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आपका बी होगा। उसी प्रकार ट्रू शब्द हम देखते हैं, शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करना है जो शब्द कोश में आते हैं, तो चलिए देखते हैं इसका कैसा होगा, टी आर यू ई ट्रू, उसी बात है आपका टोन, टी ओ एन ई टोन, ठीक है, टास्टे टी ए एस टी ए टास्टे, उसी प्रकार टूट टी आर यू टी एच, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं कौन सा आएगा, तो चलिए देखते हैं, टी सभी में दिख रहा है तो टी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ए वाला यानी कि तीसरा,
ये वाला आएगा पहला यानी कि तीन, उसी प्रकार दूसरा ओ वाला यानी कि आपका दूसरा होगा, उसी प्रकार दिया गया चौथा में यू ये वाला, तो यहाँ पर यू आएगा, उसके पहला ये वाला ई वाला ये, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा तीन दो चार एक, जो आपके आंसर किसमें दिख रहा है तीन दो चार एक ऑप्शन बी। 72 प्रश्न कहता है इसके अनुसरण करना है लुप्त वर्ग, ठीक है तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या है आपका इस प्रकार बना है, ठीक है आप देखते हैं इसको खंड करते हैं, ठीक है तो यहाँ पर दिया गया है क्या क्या दिया है 20 36 68 132 और यहाँ पर दिया गया है 260, यहाँ पर क्या आएगा देखते हैं। तो इस प्रकार कर सकते हैं 36 वाला 36 गुणा दो, 36 गुणा दो करेंगे 36 दूनी 72 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 68, ठीक है तो इस प्रकार इसको भी कर सकते हैं, जैसे 20 से अगर इसको करेंगे कैसे बनेगा ये वाला, 20 से अगर करेंगे 20 गुणा दो 20 दूनी 40 माइनस 6 बराबर 36, उसी प्रकार ये हो जाएगा 36 दूना 72 माइनस 4, ठीक है ना 20 दूना 40, 40 में 4 घटाएंगे ना, 4 घटाएंगे तो आपका 36 आ जाएगा, उसी प्रकार ये आपका आ जाएगा 68, उसी प्रकार 68 से गुना करेंगे 68 गुना दो कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 6 दूनी 12 एक 13 136 में 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 132, उसी प्रकार 132 से गुना करेंगे 2 से तो कितना जाएगा 132 से गुना करेंगे और 4 से घटा देंगे तो 260 है ना, तो उसी प्रकार आपका आ जाएगा 2 का गुणा करना माइनस 4 का बनेगा ना, ठीक है वैसे ही बनते जा रहा है तो ये आपका आ जाएगा 12 दूनी 24, ये आपका आ जाएगा 12 गुना 2 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा 12 दूना 24, 24 में 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 20, तो इसका आंसर आप पर यहां पर आएगा 12 आना चाहिए, ठीक है इसका आंसर आपका ए होगा। चलिए एक दौड़ में 5 लड़कियों ने भाग लिया है, सोनम ने नेहा से पहले लेकिन पूजा के बाद समाप्त किया, शिवानी ने अंजू के पहले लेकिन नेहा के बाद समाप्त किया, तो दौड़ किसकी होगी, तो दौड़ किसकी होगी चलिए कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। चलिए हम 74 प्रश्न का देखते हैं, यदि गुणा ये सब सॉल्व कर लेना ना, ये तो ऐसे इजीली बन जाएगा, 75 का भी इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है इसका आंसर आपका श्याम होगा, ठीक है तो टोटल हमने 25 एमसीक्यू देखे हैं जो आपके पैटर्न के हिसाब से, तो ये आपका सेकेंड शिफ्ट का सवाल था रीजनिंग है ना, तो आपको कैसा लगा यह सवाल बना के आपको कमेंट करके बताइएगा, ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा, ठीक है तो नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे फिर मैथ्स से क्वेश्चन देखेंगे।